सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आपके चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालकों के बारे में। तो विशिष्ट बालकों के बारे में विशेषताएं मैंने पूरी आपको बताई थी। इसके अलावा विशिष्ट बालकों के प्रकार कौन कौन से हैं, इसमें प्रतिभाशाली बालक, धीमी गति से सीखने वाले बालक, ठीक है, इन सभी के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल से बताया था। अब यहाँ पर आज हम प्रतिभाशाली बालकों की पहचान कैसे करेंगे, इनके लिए क्या क्या हम किस तरीके से इनकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, इसके अलावा आखिर में किस तरीके से हम प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा की दिशा में और आगे बढ़ा सकते हैं, इन सभी के बारे में इसमें हम देखेंगे इस क्लास में। देखिए, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, देखिए प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, आप सभी को पता है। कोई बच्चा बहुत तेज होता है पढ़ने में, कोई थोड़ा कमजोर होता है, कोई बहुत कमजोर होता है, ठीक है। तो उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी होती हैं। किसी बच्चे को साइंस पसंद है, किसी को मैथ पसंद है, किसी को हिंदी पसंद है, किसी को स्पोर्ट पसंद है, किसी को पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं हो, किसी को कुछ और चीजें पसंद है। इस तरीके से अलग अलग बच्चों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है एक विद्यालय में। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर प्रतिभाशाली बालकों का चयन करना अध्यापकों हेतु एक कठिनाई का विषय होता है कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है, इसका चयन हम कैसे करते हैं। देखिए, इनकी पहचान करने के लिए कई प्रविधियों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि बालक एक ही प्रविधि के प्रयोग के पश्चात पहचाना जा सके। अतः बालकों के पहचान हेतु निम्नलिखित प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है बुद्धि परीक्षण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धि परीक्षण के इंटेलिजेंस टेस्ट। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु अध्यापकों के द्वारा कई बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। यह परीक्षण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है शाब्दिक तथा अशाब्दिक परीक्षण, दूसरा है व्यक्तिगत तथा सामूहिक परीक्षण। इन बुद्धि परीक्षणों का वर्गीकरण भाषा के प्रयोग के आधारों पर किया जाता है, तथा शाब्दिक परीक्षणों के अंतर्गत पेन तथा पेन तथा पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तो शाब्दिक परीक्षण यानी कि ऐसे बच्चों के लिए जो लिखना पढ़ना अच्छे से जानते हैं, और अशाब्दिक परीक्षण के अंतर्गत कोई क्रिया करवाकर परीक्षण किया जाता है, यानी कि ऐसे लोग जो पढ़ना नहीं जानते या लिखना नहीं जानते, उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण के माध्यम से कोई क्रिया करवा करके उनका परीक्षण हम करते हैं। टर्मन के शब्दों में, वह बालक जो 140 से अधिक बुद्धि लब्धि का है वह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में आता है, ये टर्मन ने कहा है। अब देखिए, निष्पत्ति परीक्षण यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। तो प्रतिभाशाली बालकों की खोज तथा पहचान हेतु शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक निष्पत्ति परीक्षणों की सहायता ली जाती है। इन परीक्षणों के माध्यम से बालकों की शैक्षिक उपलब्धियों का ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सकता है। फिर है अभिरुचि परीक्षण यानी कि इंटरेस्ट टेस्ट। तो अभिरुचि परीक्षणों के अंतर्गत बालकों की अभिरुचि के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। यह परीक्षण यह भी बता सकता है कि बालक भविष्य में क्या बनना चाहता है तथा उसकी रुचि किन किन कार्यों में है, परंतु इन परीक्षणों में शिक्षकों का प्रशिक्षित होना भी अति अनिवार्य होता है, क्योंकि इस प्रकार के परीक्षणों से प्राप्त अंकों का अर्थापन की प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो अभिरुचि परीक्षण है, इंटरेस्ट टेस्ट, इसको कोई आम व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, तभी वो इस प्रकार के परीक्षणों को अच्छे से कर पाएंगे। तो ये अभिरुचि परीक्षण, इसके आधार पर हम बच्चों का कौन सा बच्चा इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है हम जान पाते हैं। फिर है संबंधित बालकों की सूचनाएं, कैसे हम उनके बारे में सूचनाएं इकट्ठा करें। तो बच्चों के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए हमें उसके माता पिता से, उसके आस पड़ोस के लोगों से, उसके अध्यापक से, ठीक है, उसके मित्रों से बात करनी होगी, तभी हम उस बच्चे के बारे में सूचनाएं इकट्ठा कर पाएंगे। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करने के लिए संबंधित व्यक्तियों से संबंध करना आवश्यक होता है। संपर्क के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है। इन सभी व्यक्तियों में बालकों के माता पिता, अध्यापक, आस पड़ोस के लोग व उनके मित्रगण सम्मिलित होते हैं। इन सभी लोगों से आवश्यक सूचनाएं लेकर शिक्षक प्रतिभाशाली बालकों की प्रतिभा तथा उसके स्तर को भलीभांति जान सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिभा खोज प्रतियोगिताएं आयोजित करके अपनी प्रतिभा की खोज का प्रयत्न करते हैं। यह प्रतियोगिताएं अत्यंत ही लाभदायक होती हैं। अब देखिए, अवलोकन विधियां। अवलोकन विधियों के अंतर्गत बालकों की क्रियाओं को लगातार देखा जाता है। तत्पश्चात मूल्यांकन के पश्चात यह पता चलता है कि बालक वाकई में प्रतिभाशाली है अथवा नहीं, यह भी उत्तम विधि कहलाती है। इसके बाद देखिए, बालकों के गुणों के आधार पर पहचान। तो प्रतिभावान बालक को उनके गुणों के आधार पर ही पहचाना जाता है।
चूंकि इन बालकों में कुछ अलग से विशिष्ट गुण विद्यमान रहते हैं, अतः उनके आधार पर ही बालकों की पहचान की जाती है। और यह जो गुण है वो निम्नलिखित है। पहला है, यह बालक कक्षा में किए गए कार्यों को समझते हैं। दूसरा है, यह बालक किए गए कार्यों को सुगमता से याद करते हैं। जैसे कि कोई चैप्टर टीचर ने पढ़ाया तो उन बच्चों को कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जिस तरीके से टीचर पढ़ाते जाते हैं वो सारी चीजें बच्चों के माइंड में फीड होती जाती हैं बहुत ही अच्छे से। बच्चे को अगर आप एक्सप्लेन करने को कहेंगे बाद में तो बहुत अच्छे से वो पूरी कविता कहानी को आसानी से बता देगा। यह सामान्य बुद्धि का प्रयोग करते हैं, यह कठिन कार्यों को भी सुगमता से कर लेते हैं। इन बालकों का चिंतन सदैव मौलिक होता है, यह सोचने समझने, अर्थों को समझने तथा संबंधों को पहचानने में दक्ष होते हैं। अतः उपरोक्त के आधार पर ही प्रतिभाशाली बालकों को पहचाना जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो प्रतिभाशाली बालकों में कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा इन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर ही इनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं, जो कि अग्रलिखित है। पहला है शारीरिक विशेषताएं। शारीरिक रूप से प्रत्येक बालक एक जैसे ही होते हैं, परंतु फिर भी प्रतिभावान बालकों में कुछ अलग सी विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहला है, इनकी इंद्रिय शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। दूसरा है, प्रतिभाशाली बालकों के अंदर एक मुख्य लक्षण यह देखा गया है कि इन बालकों के दांत सामान्य बालकों से 2 माह पहले ही निकल आते हैं। साथ ही यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा जल्दी चलना सीख जाते हैं तथा यह जल्दी बोलना भी सीखते हैं। इन बालकों में शारीरिक दोष नहीं होते हैं अथवा बहुत कम होते हैं। यह कद भार तथा शारीरिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। पांचवा है, यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं तथा टर्मन तथा बीटी ने भी एक शोध के दौरान यह पाया कि यह बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक स्वस्थ होते हैं तथा यह कद में भी भारी होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि उक्त बालक शारीरिक रूप से सामान्य बालकों से अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनकी सामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से सामाजिक रूप से भी भिन्न होते हैं। इन बालकों में निम्नलिखित सामाजिक विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, यह बालक लोगों के साथ अत्यंत विलनसार व्यवहार रखते हैं तथा यह अत्यंत हंसमुख स्वभाव के होते हैं। यानी कि ये बच्चे हमेशा आप देखोगे प्रसन्न रूप से आपको दिखाई देंगे, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा आपसे जब भी मिलेंगे तो आपसे हंस करके ही बात करेंगे। अपने इसी व्यवहार व प्रकृति के कारण यह सहपाठियों तथा शिक्षकों के बीच लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, यह बालक घर में, विद्यालय तथा मोहल्ले आदि में किसी भी कार्य को जिम्मेदारी के साथ करते हैं तथा सभी कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। यह बालक अपने मित्र अपने से बड़ी उम्र के यह बालक अपने जो मित्र होते हैं वो अपने से बड़े उम्र के मित्र बनाते हैं, परंतु खेल के समय यह अपने ही मित्रों का साथ रखते हैं। यानी कि इनके जो मित्र हैं, खासकर अगर पढ़ाई की बात करें तो ये अपने से बड़े क्लास के बच्चों को मित्र बनाते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और लेकिन जब खेलने की बात आती है तो ये अपने ही क्लास के बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन बालकों में नेता के गुण पाए जाते हैं, यानी कि ये नेतृत्व का गुण रखते हैं। फिर यह बालक साहित्यिक कार्यों में भी रुचि रखते हैं, यानी कि अगर कहीं भाषण प्रतियोगिता हो रही, कहीं कोई इस तरीके से जहां पर कहीं कोई वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है तो वहां पर भी ये बच्चे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। फिर ये बालक सृजनात्मक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं। फिर 1925 में टर्मन ने 500 प्रतिभाशाली बच्चों के ऊपर शोध व अध्ययन करने के पश्चात ये पता लगाया कि ये बालक ईमानदार, सत्य बोलने वाले तथा हर परिस्थितियों के साथ समायोजन करने वाले होते हैं। इसके बाद है संवेगात्मक विशेषताएं किस तरीके की होती हैं इन बालकों की। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में कई संवेगात्मक विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है, ये बालक सामाजिक दृष्टि से सुदृढ़ होते हैं। दूसरा है, ये बालक सदैव प्रसन्न रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। इनका चरित्र व व्यक्तित्व दूसरे बालकों से अत्यंत श्रेष्ठ होता है। चौथा है, नई परिस्थितियां तथा नए लोगों के साथ यह शीघ्र समायोजन कर लेते हैं। पांचवा है, संवेगात्मक रूप से बालक स्थिर व समायोजित होते हैं। इसके बाद है बौद्धिक विशेषताएं। प्रतिभाशाली बालकों में निम्नलिखित बौद्धिक विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है, ये बालक स्पष्टवादी, श्रेष्ठ तथा फुर्तीले होते हैं। दूसरा है, ये बालक तीव्र अधिगम वाले होते हैं तथा सरलता से याद कर लेते हैं। तीसरा है, ये बालक अन्य कार्यों में अपने को श्रेष्ठ प्रदर्शित कर लेते हैं। चौथा है, इन बालकों की योग्यता तथा रुचियां सामान्य बालकों से अलग होती हैं। इन बालकों की अवधान का विस्तार भी अधिक होता है। इनमें तर्क करने की योग्यता अधिक होती है। इन बालकों में ज्ञान की जिज्ञासा तथा हास्य विनोद का स्वभाव तथा सामान्य बुद्धि सामान्य बालकों से अधिक होती है। इसके अलावा इन बालकों की मानसिक गति सामान्य बालकों से
श्रेष्ठ होती है, कोई भी गुणा भाग, बहुत सारे ऐसे गणित के जो जो नियम होते हैं या फिर ये कहें कि जो स्टेप्स होते हैं किसी सवाल के, वो ये मन में ही करके बता देते हैं, इन्हें कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ती है इन बच्चों को। फिर लिंगीय विशेषताओं की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में लिंग संबंधी विशेषताएं भी पाई जाती हैं। लड़के तथा लड़कियों में कौन अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, इनका अभी तक कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है। कई अध्ययनों में लड़कों की बुद्धि लब्धि लड़कियों से अधिक पाई गई। तो टर्मन ने 643 विद्यालयों के बच्चों में 121 प्रतिभाशाली लड़के तथा केवल 100 प्रतिभाशाली लड़कियों को ही पहचान पाए। लेकिन जैन किन्स 1936 को नीग्रो जनसंख्या के अध्ययन में अधिक प्रतिभाशाली लड़कियां मिली। यानी कि ये एक कह सकते हैं अपवाद का विषय है कि किसकी किसका IQ ज्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं। पढ़ाई के साथ साथ आप सभी को पता है कि बच्चे खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे डांस में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को अलग अलग बच्चे अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद करते हैं, कोई क्रिकेट, कोई टेनिस, कोई फुटबॉल, कोई हॉकी। तो इस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ जो क्रियाएं बच्चे स्कूल में करते हैं, ठीक है, जैसे कि डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी हो, तो प्रतिभाशाली बालकों की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी अत्यंत रुचि होती है। इसके अतिरिक्त इन बालकों में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला, देखिए, वह बालक विद्यालय जाने में अत्यंत रुचि प्रकट करते हैं, रोज पढ़ने जाना चाहते हैं। ऐसे बच्चे जो प्रतिभाशाली होते हैं वो घर नहीं रुकना चाहते। फिर है, यह बालक खेलों में अधिक रुचि लेते हैं। यह बालक अपने से अधिक आयु के बच्चों के साथ खेलना अधिक पसंद करते हैं तथा कम आयु के बच्चों के साथ यह कम समय व्यतीत करते हैं। तीसरा है, प्रतिभाशाली बालक उन क्रियाओं तथा खेलों में अधिक रुचि लेते हैं जिनमें मानसिक कार्यों को करने की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। चौथा है, विटी तथा लेहमन ने कहा है कि प्रतिभाशाली लड़कियां अधिकतर खेल गतिविधियों में व्यस्त रहती हैं, परंतु प्रतिभाशाली बालक शारीरिक खेलों में कम रुचि लेते हैं, यह पढ़ाई लिखाई के कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। फिर है शिक्षा संबंधी उपलब्धि। तो देखिए, प्रतिभाशाली बालकों में शिक्षा संबंधी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो पहला है, यह बालक पाठ्यक्रम को समझने में अधिक समय लगाते हैं। फिर है, यह बालक पढ़ने लिखने में अन्य बालकों से अधिक उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। फिर है, यह बालक भूगोल, साहित्यिक, विज्ञान तथा व्याकरण आदि विषयों में अध्यापक के द्वारा श्रेष्ठ घोषित किए जाते हैं। फिर है, यह उपलब्धि तथा बुद्धि का सह संबंध इन बालकों में अधिक पाया जाता है। इसके बाद देखिए, यह बालक अच्छे कार्य करके पुरस्कार जीतने में कामयाब रहते हैं, जैसे निबंध लेखन प्रतियोगिता हुई या फिर पत्र लेखन प्रतियोगिता हुई या इस तरीके के पुरस्कार हुए। यह बालक पढ़ाई लिखाई में वास्तविक रुचि लेते हैं जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। अब देखिए, सांस्कृतिक विशेषताएं इनकी क्या होती हैं। तो प्रतिभाशाली बालकों की सांस्कृतिक विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। पहला है, विद्वानों ने सांस्कृतिक कारकों को अत्यंत महत्व दिया है। ऐसा ही अध्ययन इंग्लैंड तथा न्यूजीलैंड में 1965 में बर्ट ने भी किया, जिसमें इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन को महत्व दिया है। फिर है, इन बालकों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अत्यंत ही प्रभावशाली होती है। तीसरा है, इनका सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर अन्य बालकों से ऊंचा होता है। चौथा है, 1956 में कोल ने एक अध्ययन किया जिसमें यह पता लगा कि प्रतिभाशाली बालकों के माता पिता व्यावसायिक स्तर में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है, लेकिन यह सहसंबंध सिर्फ पूर्व बाल्यावस्था तक ही पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक उत्तम पुस्तकें पढ़ते हैं तथा यह कम प्रभुत्ववादी होते हैं। ठीक है, यानी कि ये अच्छी से अच्छी पुस्तकें बाजार से ढूंढ करके पढ़ना चाहते हैं। इन बालकों के घर साफ तथा अन्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। इन बालकों के माता पिता सामान्य से अधिक शिक्षित होते हैं और उसका असर इन बच्चों पर भी नजर आता है। फिर है, नकारात्मक विशेषताएं, निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रतिभावान बालकों में निम्नलिखित नकारात्मक विशेषताएं पाई जाती है। पहला है, यह बालक अत्यंत नटखट तथा शोर मचाने वाले होते हैं। दूसरा है, यह बालक अभिमानी होते हैं तथा दूसरों से ईर्ष्या करने वाले होते हैं। तीसरा है, ऐसे बालकों की रुचि दूसरों की आलोचना करने में अधिक होती है। चौथा है, प्रतिभाशाली बालक कई बार अधिक लापरवाह होते हैं। देखिए, विटी के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला है, 96% बालक अनुशासित रहते हैं, यानी कि ये बच्चे हमेशा अनुशासन में रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं। इसके अलावा 80% धैर्य न खोने वाले होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने काम को अच्छे से करने वाले होते हैं, काम को छोड़ने वाले नहीं होते। ये खेलना अधिक पसंद करते हैं, इनको खेलना अच्छा लगता है। ये बड़ों को सम्मान देने वाले होते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट करने वाले होते हैं। ये हमेशा मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, यानी कि हमेशा इनके फ्रेंड्स बनते हैं। स्किनर व हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, गहन शब्द भंडार, दैनिक व्यवहार में भिन्नता, कार्यों में अद्वितीय सफलता, अमूर्त विषयों में रुचि, अंतर्दृष्टि का विशेष प्रभाव, अपने निम्न से अरुचि,
पाठ्य विषय में अत्यधिक रुचि या अरुचि, नेतृत्व के गुण, विद्यालय कार्यों में अरुचि और बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, ये सामान्य बालकों से 1 पौंड भारी एवं 1.5 इंच अधिक लंबे होते हैं। इनका शारीरिक विकास शीघ्र होता है, दांत जल्दी निकलते हैं, बोलना तथा चलना आदि जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार के बालक साहसी तथा रचनात्मक कार्यों को करने वाले होते हैं। अब प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के बारे में हम जानेंगे कि इनकी शिक्षा का प्रबंध हम कैसे करेंगे। देखिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो। इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। पहला है प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसर की समानता। दूसरा है विशेष एवं समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा। तीसरा है असामाजिक आदतों को रोकना। चौथा है सर्वांगीण विकास पर बल, संस्कृति की शिक्षा, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभवों के अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, श्रेष्ठ एवं विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण, बच्चों की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराना, योजना विधि द्वारा शिक्षण, विशेष विद्यालयों में शिक्षा, विशेष कक्षाओं की व्यवस्था, शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान देना, शिक्षा का आधार बच्चे का अध्ययन, समय समय पर विशेष निर्देशन परामर्श प्रदान करना, सामान्य बच्चों में मानसिक विभिन्नताएं, धीमी गति से सीखने वाले, बुद्धि लब्धि का निम्न स्तर, ध्यान केंद्रण की समस्या, सृजन शक्ति की कमी। ठीक है, इसके बाद देखिए सामान्य बच्चों की विशेषताएं। बुद्धि सामान्य होती है, वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, तो अभी सामान्य बच्चों के बारे में यहाँ पर इसको अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, जो आपके प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी था, तो यहाँ पर ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली क्लास में धीमी गति से सीखने वाले बालकों की विशेषताएं, उनकी पहचान कैसे करेंगे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिए। क्लास को अगर आप शेयर करोगे तो अधिक से अधिक भाई बहनों तक ये वीडियो पहुंचेगा, और अधिक से अधिक हमारे भाई बहन क्लासेस को देख पाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगे। सारे के सारे पिछली क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। फर्स्ट पेपर को भी आप पढ़िए और सेकंड पेपर को भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। जय दोस्तों।